ओम साई राम। मैं साई पूजा आप सभी भक्तों को शत-शत प्रणाम करती हूँ और साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। बात करूँगी मेरी माँ की डेथ के बाद बाबा ने मुझे कैसे संभाला। तो सभी को पता है कि मैंने मम्मी का टॉपिक पहले भी उठाया था कि मेरी माँ मेरा सारा कुछ पूरा करती थी। बहुत बुरे दिन देखे, बहुत गरीबी देखी, एक एक पाई को तरसी हूँ। 10 बार अपने बैग खोलती थी और सोचती थी कहीं से 1 रुपये मिल जाए, कहीं से 5 का सिक्का मिल जाए कि मैं अपनी श्रद्धा को एक बिस्किट का पैकेट दिला दूँ, मैगी दिला दूँ। पर कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। पर जब से बाबा से जुड़ी हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहले बाबा को जब ले के आई थी तो बाबा ने अपनी जो दाढ़ी थी वो यहाँ से ब्राउन की थी और तीसरे चौथे दिन बाबा ने ये ब्लैक की थी। और उसमें बाबा ने मुझे बताया था, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ। और उसके बाद हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। पर एक ऐसा वक्त आता है जब आपको सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, जब उनकी डेथ हो गई, तो मेरे सारे सपने मेरी माँ पूरा करती थी। इवन मैं तो कभी कभी उनको बोलती नहीं थी क्योंकि माँ ने कभी मांगना सिखाया ही नहीं था। तो जब कोई फेस्टिवल आता था तो मेरी मम्मी श्रद्धा के लिए ढेर सारे कपड़े भेज देती थी और असबूरी के लिए भी आ जाते थे। और जब मैं यहाँ आती थी तो मेरी जो विशाल हस्बैंड थे उनके पॉकेट में मैं भी पैसे रख दिया करती थी और मेरे पर्स में भी कुछ पैसे डाल दिया करती थी। तो जब मेरी माँ को कैंसर हुआ, फिर मैं मुद्दे पे आती हूँ, तो लोगों ने बोला था कि पूजा के हाथ में कटोरा आ जाएगा। पूजा बहन जी को, बहन जी की जब क्योंकि कैंसर है तो ज़्यादा दिन तो बचने वाली नहीं है, लास्ट स्टेज कैंसर था, तो पूजा को तब मैं पूछूंगा जितना पूजा बहुत ऐश करती है ना मम्मी की कमाई पर, तो मैं पूछूंगा तो कि जो है अब बताओ बहन जी नहीं है तो तुम कैसे सर्वाइव कर रही हो, पूछूंगा एक दिन। ऐसे हमारे कई रिश्तेदार बोलते थे। तो देखना हाँ, पूजा के हाथ में कटोरा आ जाएगा अगर बहन जी नहीं रहेंगी। मैं बाबा की शरण में थी। मेरी माँ को डेथ हुए 2013 में, मम्मा की डेथ हुई थी और अब चल रहा है 2021। 10 साल 9 साल हो रहे हैं मेरी माँ को डेथ के। और उस दिन की तारीख और आज की तारीख मेरे बाबा ने मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। इवन मैंने माँ की डेथ के बाद कॉलेज किया, होटल मैनेजमेंट किया, शेफ बने, यहाँ भी काम किया, इंडिया में भी बाहर भी काम करके आए, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी बाबा ने मेरी। बाबा कहते हैं सपने तू देख पूरे मैं करूँगा। तो मैंने सपने देखे, डिज़ायर मेरी मजबूत थी कि बाबा मैं तो सपने देख रही हूँ, मुझे पता है कि बाबा का हाथ पीछे है, मेरे ऊपर है। तो बाबा इतना दृढ़ विश्वास, इतना दृढ़ मेरा बाबा के ऊपर प्यार कि वो मैं सपने देखते गई। एक पोजीशन थी कि मैं, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं इंडस्ट्री में गई, मुझे थोड़े लोग जाने। फिर उसके बाद मैं जॉब छोड़ के आई, बहुत बुरे कंडीशन में थी, पर दुबई में थी, मैं जॉब छोड़ के आई। पर 2 साल बाबा ने कैसे मुझे संभाला बिना जॉब के मुझे नहीं पता, पर किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। बाबा के ऊपर जो सबूरी रखते हैं, जो बाबा से प्रेम करते हैं, बाबा उनका बाल भी बाका होने नहीं देते। 11 वचनों में बाबा ने बिल्कुल सत्य कहा है। जो 11 वचन के एक एक वर्ड है ना, वो एक एक लाइन जो है वो बाबा की प्रिय लाइन है और वो बाबा ने सत्य किया है। इस साईं के नाम में जो कुछ मैंने पाया है, शायद अगर जिस कंडीशन से मैं गुजर के आई हूँ तो शायद मैं सुसाइड कर लेती, पर हमारे बाबा ने हमें पग पग पे साथ दिया। कौन कहता है साईं किसी की सुनते नहीं, आपका अगर अटल विश्वास है बाबा पर। स्थितियाँ बहुत बुरी बुरी भी आती हैं और बहुत अच्छी भी आती हैं। जिस तरह सदा मौसम एक साथ नहीं रहते, उस प्रकार हमारे जीवन में उतार चढ़ाव एक साथ नहीं रहते। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे दिन होते हैं, पर उस बुरे दिन में
हम बाबा को तो बहुत याद करते हैं, भगवानों को, जो जो हमारे गुरु होते हैं सबको याद करते हैं। जब हमारे अच्छे दिन आते हैं सारे कमिटमेंट चले जाते हैं, भगवान को कोई नहीं याद करता, बहुत कम रेयर लोग याद करते हैं इनको खुशी कि कोई इतना। जो मन लगन जब दुख पड़ता है तो 24 घंटे बाबा सुन लो, बाबा सुन लो, अगरबत्ती, साई कस निवारण, साई चरित का पारायण, ज्ञानेश्वरी और स्तवन मंजरी का पाठ कर रहे हैं, बाबा के आगे दिए जला रहे हैं, जब अच्छा होने लगता है तो बाबा याद नहीं आते। कोई जो जिनके भी ईस्ट हैं वो याद नहीं आते, पर हमें हर बुरे वक्त, हर अच्छे वक्त में हमारे ईस्ट को याद करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जब हमारे ईस्ट, जब बुरे वक्त आते हैं ना, बुरा वक्त आता है और लोग हार जाते हैं, वहाँ पर आपको हारना ही तो नहीं है, वहाँ पर आपको विश्वास रखना है। क्यों? क्या आप छोटे से बड़े हुए ना हो तो एक टाइम पीरियड आता है, तो वैसे ही हमारे टाइम पीरियड, फिर हमारी, हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद हमारा लेवल बढ़ता है। उसी तरह तो हमारी परिस्थितियाँ हैं ना, ऐसे हमारी परिस्थितियाँ अच्छी आती हैं, कभी बुरे दिन आते, कभी इतने बुरे दिन भी आ जाते, कभी बहुत बुरे दिन आ जाते, कभी हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, फिर हम भगवान को दोष देते हैं। नहीं, हमें उसमें भी बाबा को याद करना, हमारे ईस्ट को याद करना। आप जिस परिस्थितियों में रखोगे आप साथ हो, तो डरने की क्या बात है। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो बहुत बुरे दिन आए और आज बाबा की करम से, बाबा की कृपा से लोग मुझे जानते हैं। डिज़ायर, जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा बाबा ने वो दिया। एक टाइम ऐसा था जब हमारा चैनल नहीं था तो मैं बाबा से प्रार्थना करती थी रोज़ बाबा को गोद में कभी कभी तो बैठा लेती थी। बहुत बुरे दिन देखे तो माँ की तरह, मम्मी तो की तो डेथ हो गई थी ना, तो ऐसे करके मैं बाबा को चिमटा लेती थी। मम्मा को बहुत याद आ रही है, बाबा मम्मी की बहुत याद आ रही। मम्मी होती, मम्मी हमको इस कंडीशन में नहीं आने देती। मम्मी होती तो मम्मी हमको भूखा नहीं रखती। और बाबा ने वैसे ही मेरा सर ऊंचा रखा। और मैं बाबा के बारे में जब भी कोई बात करती हूँ भावुक हो जाती हूँ। बाबा ने मुझे माँ की कोई कमी नहीं आने दी। शायद मेरी माँ भी होती तो शायद इतना नहीं करती। एक ज़ीरो इंसान और आज आपके दिलों में अगर राज कर रहा है तो उसके पीछे हमारे बाबा का हाथ है। मुझे बदलने में मेरे बाबा का हाथ है। मैं बहुत जो है गुस्से वाली, बहुत चिड़चिड़ी जवाब दे देती थी और आज भी मैं किस, मतलब गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, पर मेरे बाबा से मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, हे बाबा मुझे टॉप ऑफ द फ्लोर जाना है, बाबा मुझे मेरे नाम को बाबा ऊंचा करिए। मुझे नहीं पता था मेरा चैनल क्रिएट होगा और मेरे चैनल, हमारे चैनल के नाम की वजह से साई पूजा लोगों के दिल, लोगों के घर में बसेगी। मैं बाबा को हमेशा ये कहती थी और बाबा ने मेरी बात का मान रखा और बाबा ने मुझे मेरा चैनल क्रिएट करवाया। 2018 में हमारा चैनल क्रिएट हुआ और 2019 में हमारा चैनल साई पूजा चैनल सितंबर में जो है स्ट्राइक लगी। 2018 में बाबा ने चैनल बनवाया था और वो चैनल अभी हमारे पास नहीं है, पर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि जब वो चैनल गया उसके बाद 2 सितंबर को चैनल गया और 4 सितंबर को मैंने ये चैनल क्रिएट किया। आप अबाउट में जाके देख सकते हो। सिर्फ एक विश्वास पे, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। और बाबा ने वैसे ही मेरा मान रखा, मेरा सम्मान रखा और आज 7,000 जो हमारा परिवार है, सब्सक्राइबर्स है, और बाबा ज़रूर बढ़ाएंगे क्योंकि बाबा कहते हैं तो सपने देख पूरे मैं करूँगा। वो मेरा एग्ज़ाम पीरियड था, मैं हार नहीं मानी, मैंने अपना वापस चैनल क्रिएट किया, वापस आज वो ऊंचाइयों पे चल रहा है। क्यों मैं रोती नहीं, बिलकती नहीं कि अरे मेरा चैनल क्यों चला गया, तुम तो मेरे परमेश्वर थे, तुमने ऐसा क्यों किया। कोई शिकायत नहीं की मैंने बाबा से, ऐसी कोई शिकायत नहीं की। मैंने कहा वो मेरा एग्ज़ाम था। बाबा अपनी प्रिय चीज़ को, जब आपको बाबा प्यार करने लगते तो आपकी प्रिय चीज़ को आपको छीनते। मेरी माँ को छीन लिया, मेरी माँ की जिस प्रकार बाबा समाधि बाबा ने ली। बाबा कहते थे ना कि जो आया है वो जाएगा, तो मेरी माँ को बाबा ने अपने पास बुलाया। मेरी माँ, एक कहने का तात्पर्य यह है कि
वो आपसे आपकी चीज़ को जब अलग कर देते हैं तो वो एग्ज़ाम होता है आपका कि तुम कितने तुम्हारे ऊपर बाबा का विश्वास है, तुम कितने दृढ़ रहोगे। मगर नहीं, मेरी माँ की डेथ के बाद मैंने बाबा को जिस प्रकार मैंने बोला कि बाबा मेरी माँ नहीं है, आज से मेरी माँ तुम हो, वैसे ही शायद मेरी माँ भी होती तो इतना नहीं करते जितना मेरे बाबा ने किया। तो मेरा आप लोगों से एक ही मैसेज, एक ही संदेश, साईं सब कुछ कर सकते हैं, साईं एग्ज़ाम भी लेते हैं, पर वो एग्ज़ाम तो आप स्कूल में भी देते हो ना, जब आपका बहुत सारा मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं या आपके ग्रेजुएशंस होते हैं, कितनी पढ़ाई करते हो, बहुत सारी पढ़ाई करते हो ना, उसी प्रकार हमारे बाबा भी हमारा एग्ज़ाम लेते हैं। और एग्ज़ाम को पास करना जब हम एक विश्वास कर लेते हैं, नहीं मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, तो और उसी तरह आप मेहनत करते हो, इसी तरह आप बाबा में विश्वास लगाओ, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, और आपको 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 अपना कर्म करना है, आपको बाबा के साथ बने रहना है, बाबा को निहारते रहना है, हर बात बाबा से शेयर करना है। दुनिया क्या कह रही है उसकी तरफ मत जाइए, बाबा क्या कह रहे हैं वो सुनिए, बाबा की मानिए, बाबा को मानिए और बाबा की भी मानिए। अच्छे कर्म बाबा के करीब ले जाते हैं, पता है आपको, अच्छे कर्म आपको आपके बाबा से नज़दीक करते हैं। आप महसूस कर सकते हो बाबा मेरे साथ है, मेरे बाबा तो सामने लाइव में आ जाते हैं, ये देखो भाई मैं कैसे आ गया पूजा के पास, देखते हो मैं कैसे पहुंच जाती हूँ शिरडी, मुझे भी पता नहीं रहता। जिस प्रकार मैं बाबा के बिना रह नहीं सकती, उस प्रकार बाबा भी मेरे बिना नहीं रह सकते। जैसा भाव जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, सत्य है ना, वो रूप बनाई, वो भाव बनाई। बाबा को पाना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जिनके पास भाव है, श्रद्धा है, और मुश्किल उन लोगों के लिए जो बाबा को चमत्कारी रूप में देखते हैं, बाबा उनकी भी विश पूरी करते हैं बहुत सारे प्यार के साथ। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी थे विलामा था घे उनी पंचारती करू बाबा ची आरती अति साई बाबा सौख्य दाता रजेवा ओ आड़ू आरती माजा सद्गुरु नाता माजा साई नाता। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साई लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साई की मंगल मूर्ति, श्री साई सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की।
ये सामग्री आप तक ना फायदा ना नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साई की मंगल मूर्ति साई लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साई मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साई लीला टीवी ने खास साई लीला टीवी परिवार के साई भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साई लीला टीवी साई भक्तों द्वारा साई भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साई की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साई भक्ति का अटूट सिलसिला, बस देखते रहिए साई लीला।